Hello guys, what's up? Thank you so much for watching Admirer. My name is Shweta. I hope you all are admiring the world and spreading love because why not, you should. और आज है ये ऑडिशन वीडियो नंबर 2, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक ऑडिशन वीडियो अपलोड किया था और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. तो ये जो ऑडिशन के लिए जा रही थी वो भी सेम ही लोकेशन था जो मैं पहले ऑडिशन के लिए गई थी. अगर आपको पहला वीडियो देखना है तो ऊपर मैं लिंक कहीं तो भेज दूँगी नहीं, अपलोड कर दूँगी, अटैच कर दूँगी. तो ये भी वर्सोवा में ही है और इसके लिए ही मैं यहाँ पे बहुत बकबक कर रही हूँ, बट ड्यू टू अब आजू बाजू का इतना नॉइज़ था इसकी वजह से मैंने ये भी म्यूट कर दिया. और ये मैं पहुंच गई मेरे लोकेशन पर. मुझे ढूंढना नहीं पड़ा ज़्यादा क्योंकि जैसे मैंने बोला ये पहले भी वही लोकेशन था, तो इजी पड़ा मुझे, मैं फट से गई. बट मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हुआ था एज़ यूजुअल, तो इसके वजह से मेरे को लग रहा था पता नहीं मेरा ऑडिशन हो पाएगा या नहीं होगा. तो ये बेसिकली एंट्रेंस है और ऑडिशन सेकंड फ्लोर पे था. तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लाइन शुरू हो रही थी, देख रहे हो ये भीड़ जो है यहाँ से लाइन शुरू हो रही थी. तो मैंने तो भाई कल्टी मार दी, मैंने यू टर्न ले लिया और मैं सीधा सेकंड फ्लोर पे चली गई. मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वहाँ से भी फिर से अभी नीचे ही भेजेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे लाइन में खड़े रहो ऐसा बोल के. बट मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई. तो ये स्टूडियो था उनका सेकंड फ्लोर पे. ये लोग सबका आई गेस ऑडिशन हुआ था इसीलिए लोग बस बाहर आ रहे थे. और तो मुंबई में ना ऐसे ही ऑडिशन रहते हैं, अगर देर सुबह तुम लोग जा रहे हो तो तुम्हारा आफ्टरनून तक ऑडिशन होगा. आफ्टरनून में जा रहे हो फिर तो पूरा शाम जा सकता है. इधर हो गया क्या आपका? हो गया आपका? तो मैंने उन लोगों को पूछा कि स्क्रिप्ट एंड ऑल किधर मिलेगा या सो. तो दे सेड कि ओनली इंट्रोडक्शन है, ओपन इंट्रोडक्शन है, मतलब जहाँ पे ऑडिशन नहीं होगा, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को. तो मैं फिर उन्होंने बोला ये लाइन है नीचे एकदम, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा. मैं बोला भाई साहब इतना नीचे तो मैं नहीं जाने वाली, वरना तो वहाँ पे 8-9 बज जाएंगे मेरे को. तो मैंने क्या किया, मैंने ना फर्स्ट जो सेकंड फ्लोर पे जो जितनी लाइन थी वहीं पर खड़ी रह गई. आई नो दैट सो रॉन्ग, बट हाँ नीचे ईमानदारी से जाती तो बहुत टाइम लगता. एनीवेज फिर आ गया मेरा नंबर. ऐसे रहते हैं ऑडिशंस, ऑडिशन थी ओपन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन, हाय माय नेम इज सुनील कुमार शर्मा, आई एम 28 इयर्स ओल्ड, माय हाइट इज 5 feet 5 inches. हाय माय नेम इज रोहित सिंह, आई एम 24 इयर ओल्ड, माय हाइट इज 5.9 inches एंड आई नो द लैंग्वेजेस. और फाइनली मेरा ओपन इंट्रोडक्शन हो गया और यू वोंट बिलीव 1 घंटे के अंदर मेरा हो गया. अभी ये मैं तुम लोग को बताती हूँ कितनी लंबी लाइन थी. ये देख रहे हो ये सेकंड फ्लोर पे इतने जन खड़े थे. ठीक है, अभी मैं यहाँ से ही जानबूझ के नीचे जा रही हूँ सो दैट तुम लोग को समझेगा कि कितनी लंबी लाइन थी. ये फर्स्ट फ्लोर की लाइन है, तो इतनी लंबी लाइन होती है ऑडिशन के लिए. और इसी तरह से मैंने 1 घंटे के अंदर ऑडिशन देकर बाहर आ गई. आई नो दिस इज रॉन्ग बट Sometimes you have to be smart. आज मैंने थोड़ा सा गफला मार दिया है. लाइक फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर चल रहा था, लाइक इतना बड़ा क्यू था.
तो मैं तो मतलब सेकंड फ्लोर में जहाँ पे एंट्रेंस था वहाँ पर ही मैंने ज्वाइन कर दिया लाइन, एंड इसके वजह से मेरा लाइक विद इन एन आवर हो गया ऑडिशन। आई नो दिस इज बैड, बट अगर मैं ग्राउंड फ्लोर तक ईमानदारी से ऐसे रुक जाती तो पता नहीं मुझे 6-7-8 बज जाते घर जाने के लिए। दैट्स व्हाई सो दिस इज अनदर वीडियो ऑफ अ डे इन एन एक्टर्स लाइफ। तो इफ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए ड्रीम बिग, वर्क हार्डर एंड बी एन एडमायरर। भी हम लोग के साथ एक बहुत ही कुछ अजीब अजीब चीज़ हुई है।